বোমপুর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডক্টর আম্বেদকর এডুকেশন এন্ড ওয়েলফেয়ার ইনস্টিটিউট সাইরাম চ্যারিটেবল ট্রাস্ট গ্রুপের তরফে একটি কম্পিউটার প্রদান করা হলো। সমাজসেবী বিক্রম রায়ের নেতৃত্বে দলটির বিদ্যালয়ের পরিবারকে কম্পিউটার সেট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। পাশাপাশি বিক্রম রায় বিদ্যালয়ে ফেন্সিং দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সহ বিদ্যালয়ের পরিবারকে প্রতি মাসে 2000 টাকা করে দেবে বলেছিল। সংগঠনের সভাপতি সুব্রত মাঝি, প্রধান কাস্টিয়ান সাহেব চট্টোপাধ্যায়, অমিত মিশ্র, পার্থ রায় প্রমুখের হাতে বিদ্যালয় পরিবারকে একটি কম্পিউটার সেট প্রদান করা হলো। সংগঠনের প্রধান ও অভিনেতা সাহেব চট্টোপাধ্যায় মংপু খুব ভালো বলে জানান এবং ভবিষ্যতে স্কুলকে সহযোগিতা করবেন বলে জানান। हम साइराम चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम है सुब्रत माझी। मैं पहली बार मंगपू का स्कूल में आया है। विक्रम जी के साथ आलोचना हुआ एवं विक्रम जी ने बोला जो ये स्कूल में थोड़ा हेल्प चाहिए। हम लोग एक कंप्यूटर लेके आया है, अभी पहली बार आया है। किंतु स्कूल देख के हमका मन बहुत खुश हो गया। छोटा छोटा बच्चा लेके बचपन का जो याद फिर से वापस आ गया। स्कूल के बारे में हमने कुछ प्लान जाके करूँगा जो स्कूल के उन्नयन के बारे में हम सोचेंगे। और ये काम करने से हमको मन का बहुत खुशी मिलता है। और आपका कोई क्वेश्चन? सर, साइरम चैरिटेबल ट्रस्ट आपका कब से स्थापना है, स्टडी है, और कब से कितना लोगों का हेल्प कर रहा है सर, क्या क्या काम कर रहा है? हमारा ये ट्रस्ट हमारा 3 साल का है। हम पहली बार यहाँ आए थे लॉकडाउन के टाइम में, जो हमने शायद मन से सोचा जो यहाँ का जो लॉकडाउन के टाइम का जो पहाड़ी जो आदमी है उसका तो खाना पीना सब बंद हो गया था। इसको हमको मिला तो विक्रम जी के थ्रू यहाँ आया था। पहली बार प्राण लेके यहाँ पे आया था बट यहाँ पे आके बट स्कूल के बारे में सोचा है। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग 6-7 लोग थे, ये टास्क को हम डेवलप करते हैं। और पहाड़ी में हमको पहली ये है जो सब लोग जाके पढ़ाशुना करके बड़ा हो जाए, भविष्य में काम करें, यही हमारा इच्छा है। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्ते विक्रम जीजू, आज तब डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टिट्यूट में मंगपू भवन में आने भाई रे कारण आज साइरम चैरिटेबल ट्रस्ट जो जो संस्था ने धेरेवट सीटों ने मंगपू क्षेत्र में वहाँ धेरे अगिदी कोरोना काल देखि सहयोग आई है तब यहाँ के सहयोग तबला कस्तु फील भैर यह बारे बता दिन। हजुर, यो स्कुलको है म्याडमले मलाई धेरै अगाडिदेखि सम्पर्क गर्नुभएको थियो। स्कुलमा धेरैवटा समस्याहरू छ भन्ने विषयमा है, र यहाँनिर साइरम च्यारिटेबल ट्रस्टलाई पनि मैले तपाईँहरूको पक्षबाट पनि केही हुनसक्छ भने अलिकति सहायता गरिदिनुहोस् भनेको थियो। र उहाँहरूले पनि एउटा कम्प्युटर सेट लिएर उहाँहरूलाई प्रदान गर्नुभयो। र यहाँको दीर्घकालीन समस्या रहेछ स्कुलको फेन्सिङ अत्यन्तै आवश्यकता भएकोले गर्दा उहाँहरूले मलाई धेरै दिनदेखि नै कन्ट्याक्ट गर्नुभएको थियो। र आज मैले यहाँ आएर हेरेँ, यहाँ एकदमै अवस्था यो बनाउनै पर्ने स्थितिहरू देखेँ है। दीर्घकालीन समस्या रहेछ, दीर्घकालीन समयदेखि। र उहाँहरूलाई म यो एसुरेन्स लिएर जान्छु कि यो फेन्सिङको जिम्मा चाहिँ आज म लिएर जाँदैछु है। र मेरो मान्छे पठाएर केही दिनभित्र म स्कुलको फेन्सिङ गरिदिनेछु। र अदर्स केही पनि समस्या स्कुलमा के हुन्छ, म त अब गरिब दुःखी असहाय पीडित र शिक्षाको निम्ति निस्केको मान्छे हो है। मैले एउटा निम्बहरू लिएर गर्नै पर्छ यो कुरोहरूमा। म एउटा सानो एउटा व्यवसाय गर्ने मान्छे, म त जति सक्छु र समाज गरिब पीडित र शिक्षाको निम्ति चाहिँ काम गर्ने हो। र यहाँ मैले एउटा सूचना पाएँ है, धेरै खुसी लाग्यो। र यहीँ फ्युचर पनि स्कुलको निम्ति धेरै काम गर्ने प्रयासहरू हुन्छ। धन्यवाद। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सक्लूसिव विक्रम जी के साथ हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम थोड़ा सा आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो शिलांग में जितने ये जो स्कूल्स हैं, जितने भी यहाँ पे जितने भी सोशल काम होते हैं, एवरीथिंग व्हाट एवर हैपेंस हियर, यू नो द पर्सन हु नीड्स टू बी मेंशन एट द वेरी फर्स्ट प्लेस इज हिम। ये विक्रम जी के लिए यहाँ पे इतना सोशल काम इतना सक्सेसफुली करना संभव हो रहा है। अगर ये नहीं रहते तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती हमारे लिए भी, क्योंकि इन्होंने हमको इंस्पायर किया। क्योंकि हम जानते हैं कि हम जैसे बोलते हैं विक्रम जी इज राजा हरिश्चंद्र, जैसे आप सब जानते हैं राजा हरिश्चंद्र जी वो कैसे थे, उनका दिल जो था ये आकाश जैसा बड़ा था। विक्रम जी ऐसे इंसान हैं
राजा हरिश्चंद्र जी हैं और संत हैं, और इन्हीं के लिए इतने स्कूल्स यहाँ पे हम जो स्कूल्स विजिट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ही इज द पर्सन हु हेल्प्स द पीपल हु आर इन नीड. So I'm always there with him. How do you feel today, sir? I'm feeling so happy that he's brought me to a school which is so wonderful. और ये स्कूल में मैं पहली दफा आया हूँ. विक्रम जी ने मुझे बहुत पहले ही स्कूल के बारे में बोला था और मुझे लगा कि ये काम कर रहे हैं स्कूल के लिए, तो हमने उनको बोला कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ हम भी जुड़ेंगे, ठीक है, अगर आप हमें मौका देंगे तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी मौके की बात है.